ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत एवं सकल वाल्मीकि समाज हरनौत द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में वाल्मीकि समाज की एक अबोध बालिका के साथ शमशान में सामूहिक दुराचार किया गया। उसके बाद उस बालिका को जिंदा जला दिया गया, जिससे कि संपूर्ण वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है, जिसके विरोध में माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम उपखंड अधिकारी हरनौत को ज्ञापन दिया गया, जिसमें यह मांग की गई कि उन सभी अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए एवं अबोध बालिका के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए एवं दिल्ली सरकार द्वारा परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इस अवसर पर अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के जिला अध्यक्ष नवीन जी तेजस्वी, प्रदेश महासचिव राजेश जी चौहान, तहसील अध्यक्ष भगवती प्रसाद जी डागर एवं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के सभी पदाधिकारी एवं समाज के सभी सदस्य उपस्थित थे। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, हरनौत, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान की खबर। श्रीमान राष्ट्रपति जी महोदय और राज्यपाल के नाम हम ये ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं श्रीमान एसडीएम साहब हरनौत को कि उस अबोध बालिका के साथ न्याय होना चाहिए और उसको अपराधी को फांसी की सजा से कम तवज्जो नहीं दें और कम से कम उसको फांसी की सजा तो होनी चाहिए, ताकि पूरे भारत में, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि हमारे वाल्मीकि बंधुओं के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है और ये अन्याय हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राष्ट्रीय लेवल पर इस चीज़ का हम आंदोलन करेंगे। अगर ये हमारी मांग को अगर ध्यान में नहीं रखा गया और सामने वाले को हथियारों को फांसी नहीं दी गई तो